हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस्पार के 30 वीडियो में आज हम सीखेंगे व्हाट इज कॉलम क्लास। पाइस्पार में क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे, कॉलम क्लास होता क्या है बेसिकली। और यदि हमें डेटा फ्रेम में कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो कैसे हम ऐड करेंगे नए कॉलम को, उसके बाद देखेंगे हम। यदि हमारे पास डेटा फ्रेम से यदि सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम वन बाई वन हमें एक्सेस करना हो तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे हम। यदि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर टाइप कॉलम है, स्ट्रक्ट टाइप कॉलम है मान लीजिए, ठीक है, उसको अगर हमें एक्सेस करना है, वन कॉलम एक्सेस करना है, दूसरा कॉलम एक्सेस करना है, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे हम वन बाई वन, सभी के बारे में चलिए हम आज सीखते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों की व्हाट इज कॉलम क्लास होता क्या है। जैसे कि पाइस्पार्क में बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कॉलम क्लास जो होता है, कॉलम क्लास रिप्रेजेंट ए सिंगल कॉलम इन ए डेटा फ्रेम। मतलब जैसे आपका टेबल होता है, टेबल में एक आपका कॉलम होता है, उसी को ही आप समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे एग्जांपल हमारे पास देखिए टेबल है नेम परसेंटेज एज, यहाँ पर तीन कॉलम है, तो एक कॉलम जो सिंगल है इसको ही हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कॉलम क्लास बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी समझ गए इसका मतलब। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो जो भी आपको थोड़ा सा क्लियर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं समझ में हो तो वहाँ पर आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ओके। बेसिक में बात करता हूँ कॉलम क्लास का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेवरल फंक्शन टू वर्क विद डेटा फ्रेम। बहुत ऐसे फंक्शन डेटा फ्रेम के लिए यूज करते हैं टू मैनिपुलेट द कॉलम वैल्यू। डेटा फ्रेम जो भी आपका वैल्यू है उसको कॉलम का वैल्यू आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब ओके ओके। इवैल्यूएट द बोलियन एक्सप्रेशन टू फिल्टर रो, आप मतलब बोलियन एक्सप्रेशन वहाँ पर मतलब शो करके आप रो को फिल्टर कर सकते हैं। रिट्रीव द वैल्यू ए पार्ट ऑफ द वैल्यू फ्रॉम डेटा फ्रेम कॉलम, ठीक है, एंड वर्क विद द लिस्ट मैप एंड स्टेट कॉलम। मतलब कि आप फिल्टर भी कर सकते हैं, उसके बाद रिट्रीव वैल्यू भी रिट्रीव कर सकते हैं आप डेटा फ्रेम से, डेटा फ्रेम कॉलम से, और लिस्ट आप में डेटा फ्रेम में आपका जो कॉलम है वो आपका लिस्ट टाइप का तब भी आपका काम करेगा, मैप है, स्ट्रक्चर है, सभी टाइप के आपका कॉलम वहाँ पर, तो आप मतलब जो भी वहाँ पर फिर आप जितने भी ऑपरेशन अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, ओके। वन ऑफ द सिंपल वे टू क्रिएट कॉलम ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग द लीड फंक्शन, मतलब कि एक लीड फंक्शन प्रोवाइड करता है पाइस्पार्क, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं एक सिंपल वे होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं क्लास ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें आपका पाइस्पार्क में, ओके। हमने देखिए यहाँ पर नीचे हमने क्रिएट किया हुआ, कैसे क्रिएट किया हुआ, चलिए हम विद प्रैक्टिकली समझते हैं, अभी आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास देखिए डेटा फ्रेम है, सॉरी डेटा ब्रिक्स का इन्वायरमेंट है, यहाँ पर चलते हैं, एक नया क्रिएट करते हैं, यहाँ पर नया नोटबुक क्रिएट करते हैं, यहाँ पर गया हमने नया नोटबुक क्रिएट किया, इसका नाम हम पूछ देते हैं कॉलम क्लास, कॉलम क्लास दैट्स इट नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पर बात किया कि हमें मतलब क्या करना है कि लीड का फंक्शन यूज करके एक हमें कॉलम क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें फंक्शन को मतलब जो भी फंक्शन में यूज करना है उस फंक्शन को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पहले हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद तभी हम उसका यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शन, ओके। अब यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं हमारे पास जो भी क्लस्टर है, ठीक है, हमने क्लस्टर कनेक्ट कर लिया, उसके बाद इम्पोर्ट लीड फंक्शन का नाम दिया, हमने लीड फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। अब इसको जैसे रन करेंगे क्या करेगा, ये आपका इसमें इंपोर्ट हो जाएगा, इसमें कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। हमने अब इसको हमने यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हो चुका है, अब चलते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉलम टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमने कॉलम वन कर दिया इक्वल टू लीड फंक्शन लिया। अब यहाँ पर आप कॉलम नेम दे दीजिए, जैसे आप नाम यहाँ पर दे दीजिए मान लीजिए नेम। अब जैसे ये आपने जो ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस ये आप चेक कर लीजिए, आप लिखा प्रिंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए टाइप के अंदर आप जो भी आपका मतलब ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप पास कर लीजिए। अब जैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये क्या बताएगा कि भाई किस टाइप का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट है, ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, देखिए ये ऑब्जेक्ट बता रहा भाई कि ये ऑब्जेक्ट आपका किस टाइप का है, कॉलम टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए कर सकते हैं, अगर हम इसको आपको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, डायरेक्ट जो भी मतलब कि जो भी देखिए जो नाम है जो एक मतलब क्रिएट हुआ है, एक कॉलम क्रिएट हुआ है, इसमें प्रिंट कर दिया यहाँ पर, तो ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर एक कॉलम जो है क्रिएट करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये आपको मालूम चल गया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के हमारे पास कोई डेटा फ्रेम है, ठीक है, डेटा फ्रेम है। अब उस डेटा फ्रेम में हमें क्या करना है कि कॉलम को यूज करके हमें नया न्यू कॉलम इसमें ऐड करना है। कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं हमें इसमें बता दिया, देखिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं कॉलम की बात करूँ तो हमारे पास अगर कोई डेटा फ्रेम है उसको कुछ नया कॉलम ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो उसको कैसे करेंगे, चलिए हम उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करते हैं कि हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है यहाँ पर। ठीक है, डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, हमें यहाँ पर आप एक कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए पहले आप यहाँ पर दो कॉलम ले लिया हमने। ठीक है, आप यहाँ पर दो रिकॉर्ड सेव रखेंगे, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने स्कीमा ले लिया, स्कीमा हमने ले लिया। पहला आपका क्या हो गया, सॉरी स्कीमा इक्वल टू पहला आपका हो गया नेम, दूसरा आपका मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एज। अब हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डी एफ इक्वल टू यहाँ पर हमने लिया स्पार्क से सब क्रिएट करेंगे, फिर क्रिएट डेटा फ्रेम। अब इसके बाद यहाँ पर आपको डेटा सेंड करना है, फिर आपका स्कीमा। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी सब डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर डी एफ डॉट शो, ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसको हम रख देंगे, एक बार बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्पार्क, क्रिएट डेटा फ्रेम। ओके, एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो भी मतलब यहाँ पे हमने दिया था ये हमारा देखिए डेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेटा हमने हमने क्लियर कर लिया, अब हमें एक नया कोई कॉलम ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए एज ऐड किया हुआ है, इस तरह से हमें कोई नया कॉलम इसमें हमें ऐड करना पड़ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। हम डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्लियर है तो हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, एक नया सिल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे लिखेंगे डी एफ वन इक्वल टू डी एफ डॉट विद कॉलम। अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया कि विद कॉलम क्या होता है, जिसमें दे दिया मतलब मान लीजिए हमने एज दे दिया, फिर यहाँ पर हमने जैसे जेंडर दे दिया, मान लीजिए दे दिया जेंडर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जेंडर दे दिया, अब हमें नया कॉलम अगर हमें ऐड करना है इसमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे पहले हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा सेम। ठीक है, पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शन इम्पोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं आप यहाँ पर डायरेक्ट कोई वैल्यू देंगे आप, जैसे आपने यहाँ पर मतलब जेंडर मान लीजिए यहाँ पर आपने दिया मेल, तो ये हो सकता है कि आपको मतलब कि डी एफ वन डॉट शो हो सकता है कि ये आपको मतलब एरर देगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब उसको देखिए एरर देगा भाई, क्योंकि मतलब कि यहाँ पर आप कॉलम नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, किस टाइप का कॉलम टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए तभी ये क्रिएट करेगा ये। तो ठीक है, इसको आप लीड फंक्शन में पास कर दीजिए, यहाँ पर जाइए आप। अब आप जब भी जाएंगे इसको क्रिएट करेंगे, रन करेंगे, एक क्या करेगा, एक नया कॉलम इसमें जाकर क्रिएट कर देगा। देखिए इसने क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट कर लिया। इसमें क्या था, सिर्फ दो कॉलम थे, हमने एक नया कॉलम क्रिएट कर लिया, हमने लेट के फंक्शन का यूज करके एक नया कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इस तरह से हम जो भी कॉलम चाहें हमें नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एग्जाम्पल हमें क्या करना है, आप समझ में आ गया कैसे हम ऐड करते हैं। अब इसी में आपको मतलब कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी आपको करना है तो आप एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ, हमें अगर डेटा फ्रेम के कॉलम को अगर एक्सेस करना है, सिंगल कॉलम एक्सेस करना है, तो यहाँ पर तीन वे होते हैं एक्सेस करने के लिए। पहला होता है आप कॉलम नेम के डायरेक्ट थ्रू एक्सेस कर लीजिए आप। ठीक है, दूसरा होता है आप कॉल फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर लीजिए। तीसरा आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों के लिए हम वन बाय वन देखते हैं, सीखते हैं, तो वहाँ पर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करें, यहाँ पर देखिए इसको जैसे आपने शो किया तो ये क्या तीन कॉलम, देखिए यहाँ पर तीनों मतलब जितना कॉलम थे सभी कॉलम आ गए। अब मुझे सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है और कुछ भी नहीं डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो नेम डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने लिखेंगे यहाँ पर डी एफ वन डॉट, ठीक है, सिलेक्ट। इसके बाद आपको जो भी चाहिए, जैसे मैं जो भी कॉलम नेम चाहिए डी एफ वन डॉट डॉट, अब आप मतलब यहाँ पर कॉलम नेम भेज दीजिए, कॉलम नेम डॉट शो कर दीजिए।
ठीक है। आप जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए कॉलम नेम जो भी था, मतलब कि नेम कॉलम है उसको उसका डेटा इसने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से आप जो है देखिए कॉलम थ्रू कर सकते हैं। तो मैं कॉलम थ्रू करना है तो यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कॉल फंक्शन, यहाँ पर देखिए कॉल फंक्शन है, कॉल फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाइप पर डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शन, उसके बाद इम्पोर्ट कॉल फंक्शन आपने कर लिया। अब इसको हम यहाँ से मतलब ये है, अब यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर कॉल फंक्शन करते हैं, यहाँ पर गए यहाँ पर हमने लिखा कॉल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन हमें चाहिए यहाँ पर पास कर दीजिए। हमने देखिए कॉल फंक्शन लिया है, यूज किया है, पास कर दिया। अब जैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे अब बस सेम आएगा रिजल्ट, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, कि एक कॉल फंक्शन के थ्रू हमने जो भी जितने कॉलम हमें एक्सेस करना है कर सकते हैं, यहाँ पर जितने कॉलम चाहिए जैसे आ गया फिर एज आ गया, जो भी कॉलम लिस्ट चाहिए उस कॉलम में यहाँ पर पास कर देंगे, वही सेम कॉलम में देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू आपको डेटा आपको यहाँ पर उसका डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, सिर्फ जैसे आप एसक्यूएल में सिलेक्ट कॉलम यूज करते हैं। तीसरा आपका इंडेक्स थ्रू, इंडेक्स थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उसमें आपको इंडेक्स थ्रू कुछ नहीं करना है, बस सिंपल यहाँ पर जाइए जैसे मैंने कर दिया डी एफ वन, आप इसको इंडेक्स में पास कर दीजिए इसको, दैट्स इट, यहाँ पर आपने इंडेक्स में पास कर दिया। सेम रिकॉर्ड आपको देखिए सेम रिकॉर्ड इसमें रिप्रेजेंट किया, इसमें मतलब कि आपको देगा रिटर्न देगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, ये तो हमने मतलब कि सिंपल कॉलम था हमने पास कर लिया। अब मैं बात करता हूँ हमारे पास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यह है, हमारे पास स्ट्रक्ट टाइप का अगर कॉलम है उसको हमें डेटा को पास करना, उसके बाद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले हमें स्ट्रक्ट टाइप हमें मतलब कि क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रक्ट टाइप सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कैसे एक्सेस करते हैं स्ट्रक्ट टाइप को एक्सेस करते हैं, चलिए हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं प्रैक्टिकल हमारे पास है तो उसी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा। ठीक है, मैं उसके बारे में मैं आपको समझा भी दूंगा उसके बारे में कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं पास में यहाँ पर जाते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर स्ट्रक्ट टाइप क्रिएट करने कॉपी कर लिया। सबसे पहले मैं आपको वन बाई वन समझा देता हूँ हमने यहाँ पर क्या क्या किया हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको आसानी समझ में हो जाएगी। सबसे पहले मैं आप क्या देखिए हमने टाइप को इंपोर्ट कर लिया, टाइप क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, टाइप देखिए हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, सभी को इंपोर्ट कर लिया, जिसको किसको यूज करना है। फिर हमने यहाँ पर देखिए डेटा बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर डेटा में अगर आप गौर करेंगे देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है सिंगल नेम है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक हमने इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्ट्रक्ट टाइप बनाया हुआ है डेटा है, सेम ऐसे इसमें भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्ट्रक्ट टाइप में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रक्ट टाइप में डिफाइन करते हैं ए हमारा क्या डेटा है, ये किस टाइप डेटा है, इसका कॉलम नेम क्या होगा। तो जैसे हमने क्या है जेंडर है एज है, दो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्ट टाइप हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर सेम आपका यहाँ पर बात करूँगा मैं, तो इसमें आप जब जाएंगे यहाँ पर जो मेन स्कीमा क्रिएट करेंगे तो एक क्या है आपका सिंगल नेम है आपका, तो आपने यहाँ पर सिंगल नेम स्ट्रिंग टाइप ले लिया आपने। फिर आपका ये जो दूसरा है स्ट्रक्ट टाइप है, तो इसमें दोनों कॉलम जो है हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। फिर इस ऑब्जेक्ट को हमने जो क्रिएट किया है इस टाइप को हमने यहाँ पर जो है पास कर दिया, तो आपका स्ट्रक्ट टाइप नाम बन गया। जब इसको रन करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे अब ये सिंपल क्या दिखाएगा आपको यहाँ पर देखिए, ये आगे एक्सप्लेन करेगा, ये दिखाएगा देखिए क्या है अदर प्रॉपर्टी जो है किस टाइप का स्ट्रक्ट प्रॉपर्टी है। स्ट्रक्ट प्रॉपर्टी अंदर जो भी है देखिए जेंडर मेल ये आपका मतलब स्ट्रिंग है इंटीरियर है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे एक एक प्रॉपर्टी हम एक्सेस करेंगे, तो कैसे हम एक्सेस करेंगे चलिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम ऑलरेडी हमारे पास है डेटा फ्रेम वन, हम इसको एक्सेस करेंगे, आप लिखेंगे हम डेटा फ्रेम। ठीक है, उसके बाद डॉट सेलेक्ट, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है वन नाम देना है, जैसे डी एफ हमने लिखा डॉट, फिर आपको क्या है हमें कहाँ डेटा ग्रेड करना है, सबसे पहले हमें क्या कहना है अदर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर कह देंगे हम अदर प्रॉपर्टी नाम देंगे हम डॉट अदर अदर प्रॉप डॉट। फिर आपको इसमें क्या ऐड करना है आपको क्या क्या एक्सेस करना है इसमें, जैसे हमें मान लीजिए हमने बोल दिया हमें जेंडर ऐड करना है। ठीक है, तो आप जैसे इसको रन करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे सॉरी इसको यहाँ पर तो फंक्शन भी आपको लगाना पड़ेगा तभी आपका आएगा यहाँ पर, जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया देखिए ये क्या गया इसने जेंडर जो है आप देखिए प्रिंट कर दिया इसने जेंडर से, देखिए जेंडर से इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम मतलब कि हमारे पास तीन यहाँ पर मेथड होते हैं करने के लिए, देखिए डायरेक्ट मतलब यूजिंग नेम के थ्रू कर सकते हैं, कॉलम फंक्शन का भी यूज करके कर सकते हैं, फिर आपका यहाँ पर जो है
इंडेक्स थ्रू तीनों को प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एक कॉलम करके दिखा देता हूँ, आप जो प्रैक्टिकल में इंडेक्स कैसे एक्स करते हैं, आप यहाँ से वीडियो देख के, आप यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल देख के आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, हमें कॉलम को एक्सेस करना है। सबसे पहले आपको कॉलम को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्ट करने के लिए पाइथन डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शन इम्पोर्ट कॉल आपने कर लिया, फिर यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर आपको क्या लिखना है कॉल। आपने यहाँ पर कॉल लिखा आपने, ठीक है, ये आपने लिख दिया, फिर ये आपका क्या हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर पास कर दीजिए। ऐसे जैसे इसको आप रन करेंगे तो सेम रिकॉर्ड आपको दिखे यहाँ पड़ेगा, देखिए इसने सेम रिकॉर्ड यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर कॉलम टाइप है, कॉलम टाइप का यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे हम मतलब कि जो हमारा एजेंडा था कैसे हम एक्सेस करेंगे, स्ट्रक्ट टाइप का कॉलम कैसे एक्सेस करेंगे वन बाई वन, सब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच।